नरेला पंजाबी कॉलोनी में 4 महीने से पानी की किल्लत। पंजाबी कॉलोनी जी ब्लॉक की जनता में आक्रोश, दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। जगह जगह खड़े कर छोड़ दिया गया 4 महीने से विधायक शरद चौहान व जल बोर्ड अधिकारियों को कर चुके हैं शिकायत। दिल्ली सरकार के फैसले पानी माफ का जुमला जुमला ही रह गया। लोगों का कहना, घर में 4 सदस्यों का जल बोर्ड का बिल 15,000 पानी आता नहीं, बिल आ जाता है। आखिर दिल्ली की जनता बास का इंतजार कम पानी का जरूर करते हैं। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मुख्यमंत्री अधिकारी या जनता सुबह आंखें खुलते ही पानी मांगता है। अगर सभी के पास पानी नहीं हो तो सुबह शौचालय में क्या करेंगे केजरीवाल जी? नाम बताइए अपना। मैं सदाराम गुप्ता, ये कौन सी जगह है? वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जन समस्याओं के लिए मैं समय पूरा देता हूँ और लोगों की समस्याओं के लिए प्रयास करता हूँ कि प्रशासन तक इन लोगों की समस्याओं। ये जगह कौन सी है? ये पंजाबी कॉलोनी जी ब्लॉक है और यहाँ की टोटल समस्या जो है, ये जगह जगह IPL ने जो है डिगिंग करके छोड़ दी है और उनकी बराई नहीं की है और उसके अंदर बच्चे गिर रहे हैं, पशु गिरते हैं, कुत्ते गंदगी करके जाते हैं और अभी मानसून आया तो उससे पहले इन गड्ढों में पानी भर गया और मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसकी मैंने लिखित में शिकायत भी भेजी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई हमें ऐसा आश्वासन या जो एजेंसी जो काम कर रही है उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला कि इस पर काम हो जाए। पानी की समस्या के लिए तो ये गृहिणी इतनी परेशान है कि ये बेचारी थोड़ी ही मजदूरी करके आती हैं और 20 रुपये का एक बैरल पानी का लेती हैं और उसमें किस तरीके से पूरे अपने परिवार का निर्वहन करती हैं। पानी पीने के लिए, कुकिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए चाहिए, कपड़ा धोने के लिए चाहिए, साफ़ सफाई के लिए चाहिए, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की एक बूंद सप्लाई यहाँ नहीं आती। इस इलाके में पानी की बहुत गंभीर समस्या है। कब से? पिछले 4 महीने से किसी के यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो दिल्ली सरकार तो कह रही है सबको पानी माफ़ किया जा रहा है। माफ़ तो जब करेंगे पानी आएगा, माफ़ी तो वैसे ही है, पानी नहीं आ रहा तो माफ़ी माफ़ी है। पानी की इतनी समस्या की विधायक से लेकर और JEE ZRO सबको एक बार खंगाल लिया गया और सब सुनने बराबर हैं। पानी की आज तक कोई समस्या 4 महीने से प्रॉपर नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि बिल जो मीटर रीडिंग लेके जाता है वो बिल की ऐसी समस्या पैदा करके जाते हैं कि पूछो मत। मेरा मीटर चालू है आज भी, 25 महीने में पहला बिल आया वो भी आया 15,000 रुपये का और 15,000 आने के बावजूद मैंने 3 बार एप्लीकेशन लगाया। घर के कितने मेंबर हैं? 2 बच्चे हैं, 2 हम। तो कितना पानी यूज कर देते हैं? पानी दिन में 300 लीटर से 400 लीटर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पानी माफ। पानी माफ ये तो जुमला रह गया वैसे। आज के दिन पानी टूटियों में तो आता ही नहीं है। लेकिन अब LG के साथ लड़ाई करके तो केजरीवाल जी दिल्ली के बॉस बन चुके हैं। मैं विधायक जी से भी 2 बार मिल चुका हूँ मगर आज तक उसका समाधान आज तक नहीं निकल पाया। इस विषय में बात कर चुका हूँ मैं प्रॉपर। तो अब दिल्ली के जो बॉस बन गए हैं केजरीवाल जी, वो तो पहले ही कह रहे थे। ये तो वाकई में ही बोझ वाली बात हो गई है इस टाइम। पानी के हालात को देखते हुए कहते थे पानी फ्री बिजली आदि, या पिछले 2 महीने से कोई एक बूंद पानी नहीं आता। तो शिकायत किसको की आपने? शिकायत हमने हर 2 महीने में हर रोज शिकायत करते हैं। जैसे टैंकर मंगाने के लिए टैंकर भी नहीं भेजता, टैंकर भी नहीं होगा, 2 दिन में 3 दिन में एक बार ही भेजूंगा और गदर मचा रखा है बिल्कुल। विधायक से बात की आपने? विधायक से भी बात करी, विधायक फोन ही नहीं उठाता। नहीं वो सुनवाई करते हैं। अगर एक भी दिन भी अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता तो हम रोड जाम करेंगे फिर रेलवे ट्रैक रोकेंगे। 4 महीने से यहाँ पानी नहीं आता और पानी के परेशानी बहुत ज़्यादा है, सब पानी से बहुत परेशान है, यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आता। पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी 4 महीने से नहीं आ रहा है। तो नाम क्या आपका? लाजवंती जी। कितनी उम्र है आपकी? 70। तो पानी की समस्या क्या है आ रही है आपके लिए? पानी की इतनी समस्या है जो हमको रात को 3-3, 4-4 बजे उठ के थे पानी को देखते हैं, पानी मिलता नहीं है और पानी की इतनी दिक्कत है जो हमारे से बाल्टी उठाई भी नहीं जाती। बताओ हमारी उम्र है पानी उठाने की? अब ये पानी की समस्या हमारी दूर होनी चाहिए। नाम क्या आपका? बिमला। बिमला जी पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि पानी सबको दिया जा रहा है। तो कितना समय हो गया आपको? 4 महीने से पानी नहीं है? नहीं है।